हमें बात करनी है श्वसन मार्ग। अभी मैंने बताया कि श्वसन मार्ग जो होता है उस श्वसन मार्ग की शुरुआत कहां से होती है। हमें पता है कि श्वसन मार्ग जो होता है उस श्वसन मार्ग की शुरुआत जो होती है उस श्वसन मार्ग की शुरुआत जो होती है वो होती है नासा छिद्र से। कौन से? जो बाहरी वातावरण के संपर्क में है, इनको अपन बोलते हैं बेटा बाह्य नासा छिद्र। क्या बोलते हैं? बाह्य नासा छिद्र। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, वो बात यहां पे कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बाह्य नासा छिद्र के बारे में। ये बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं ये आगे जाके खुल रहे हैं नाक के सबसे पहले वाले भाग में जहां पे हेयर्स प्रेजेंट है। इस हेयर्स वाले भाग को अपन बोलते हैं बेटा नासा प्रकोष्ठ। इस भाग को अपन बोलते हैं नासा प्रकोष्ठ। ये नासा प्रकोष्ठ जो था ये नाक के और पीछे वाले भाग में जो कि हड्डियों का बना हुआ भाग है उसमें जाके खुलता है और उस हड्डियों के बने हुए भाग को अपन कहते हैं नासा कक्ष। नासा कक्ष। ये नासा कक्ष जो होता है ये फिर आगे जाके खुलता है। ये नासा कक्ष आगे जाके खुलता है वो खुलता है बेटा ग्रसनी में। किस में जाके खुलता है? ग्रसनी में। ये लीजिए मैंने कहा ये जाके खुला ग्रसनी, या मैं कह दूं नासा ग्रसनी में। ये जाके खुला ग्रसनी या नासा ग्रसनी में। अब हमने कहा कि ये नासा कक्ष जो था ये नासा कक्ष जाके खुला नासा ग्रसनी में। अब ये नासा कक्ष के पीछे की साइड ग्रसनी में खुलने के लिए इसके दो द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं? दो द्वार होते हैं। जैसे बाहर वाले द्वार को हमने बोला था बाह्य नासा छिद्र, ऐसे ही अंदर की साइड जो इसका द्वार होता है उसको अपन कहते हैं आंतरिक नासा छिद्र। हमने बोला ये किसके द्वारा खुला? ये अपने पास खुला आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा। आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा कहां खुला? नासा ग्रसनी में, या मैंने कहा ग्रसनी वाले भाग में खुला। चले अब ये ग्रसनी वाला जो भाग होता है ये ग्रसनी वाला भाग आगे जाके खुलता है, वो खुलता है अपने ध्वनि यंत्र में। किसमें खुलेगा? अपने ध्वनि यंत्र में। ये लीजिए हमने कहा ये वाला जो भाग होता है ये वाला भाग आगे जाके खुलता है वो खुलता है ध्वनि यंत्र में। जिसको अपन कहते हैं लैरिंग्स। जिसको अपन कहते हैं बेटा लैरिंग्स। ये अपने पास जाके खुला ध्वनि यंत्र में जिसको हमने कहा लैरिंग्स। अब लैरिंग्स की जो अपने पास द्वार है उस द्वार को अपन बोलते हैं ध्वनि यंत्र का, या मैं कहूं कंठ का। इस ध्वनि यंत्र को ही अपन बोल देते हैं बच्चे कंठ। इस ध्वनि यंत्र जो है इस ध्वनि यंत्र को ही अपन क्या कह देते हैं? कंठ। इस कंठ का जो द्वार है उसको अपन बोलते हैं कंठ द्वार या घाटी। हमने बोला कि यहां पे प्रेजेंट अपने पास कंठ द्वार। या उसी को अपन बोल देते हैं बेटा घाटी। उसके द्वारा ये खुला ध्वनि यंत्र में। ध्वनि यंत्र जो होता है वो ध्वनि यंत्र आगे जाके खुलता है, वो खुलता है श्वास नली में। ध्वनि यंत्र किस में जाके खुला है? श्वास नली में। चलिए अपन आगे बात कर रहे हैं। हमने कहा ये जो ध्वनि यंत्र है ये ध्वनि यंत्र आगे जाके खुला है, वो खुला है श्वास नली में। ये जाके खुला है, ये अपने पास खुला है बेटा श्वास नली में।
ये श्वास नली जो है ये आगे विभक्त होके निर्माण करती है, वो करती है बेटा प्राथमिक प्राथमिक श्वसनी का, ये निर्माण कर रही है अपने पास, वो निर्माण कर रही है प्राथमिक श्वसनी का। प्राथमिक श्वसनी जो थी वो आगे चल के निर्माण कर रही है बेटा द्वितीयक श्वसनी का। द्वितीयक श्वसनी का, ये द्वितीयक श्वसनी आगे चल के निर्माण कर रही है विभक्त होके, वो निर्माण कर रही है तृतीयक श्वसनी का, निर्माण कर रही है तृतीयक श्वसनी का। तृतीयक श्वसनी आगे जाके फिर विभक्त हो रही है और छोटी नलिकाओं का निर्माण कर रही है और उनको अपन बोलते हैं प्रारंभिक श्वसनी का, प्रारंभिक श्वसनी का। ये था श्वसनी और ये क्या है श्वसनी का। श्वसनी का किससे बनी, श्वसनी की शाखाओं से बनी। और ये प्रारंभिक श्वसनी का आगे जाके विभक्त होके निर्माण करती है अंतस्थ श्वसनी का, ये निर्माण कर रही है अंतस्थ श्वसनी का। ये अंतस्थ श्वसनी का आगे जाके फिर विभक्त हो रही है और अंतस्थ श्वसनी का विभक्त होके, अंतस्थ श्वसनी का आगे चल के विभक्त होके निर्माण करती है, वो निर्माण करती है श्वसन श्वसनी का। ये निर्माण कर रही है, वो निर्माण कर रही है बेटा श्वसन श्वसनी का। श्वसन श्वसनी का आगे चल के निर्माण करती है, वो निर्माण करती है कुपी किए नलिका का। ये कुपी की नलिका आगे चल के निर्माण करती है एट्रिया का, ये एट्रिया आगे चल के फिर विभक्त होता है, निर्माण करता है कुपी किए कोस का। और अंत में कुपी के कोष जो होता है, एक कुपी के कोष में होते हैं 2 से लेके 5 तक कुपिकाएं। जिनकी संख्या होती है 2 से 5 तक। और ये जो कुपिकाएं हैं ये ही तो है फेफड़े की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई। चले तो हमने कहा कि बाह्य नासा छिद्र से लेके अंत में ये जो कुपिकाएं आई, इन कुपिकाओं तक का ये पूरे का पूरा जो मार्ग है इसी को अपन कहते हैं श्वसन मार्ग। मैं दोबारा से शुरू से शुरुआत करता हूं, प्लीज देखिएगा देखिएगा। सबसे पहले हमने बात किया बेटा बाह्य नासा छिद्र। बच्चे मनुष्य जो होता है उस मनुष्य में नाक जो होता है वो 2 द्वार के थ्रू बाहर खुलता है। इस 2 द्वार के थ्रू बाहर खुलता है और ये जो द्वार होते हैं इनको बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। मनुष्य में 2 द्वार पाए जाते हैं, इस अवस्था को कहते हैं डाई राइनस कंडीशन। क्या बोलते हैं? डाई राइनस कंडीशन। मेरी बात क्लियर है? अब इन 2 नासा छिद्रों के थ्रू वायु जो ही अंदर गई, सबसे पहले नाक के इस सबसे आगे वाले भाग में आई। नाक का ये जो सबसे आगे वाला भाग है ये है, इसको बोलते हैं नासा प्रकोष्ठ।
नासा प्रकोष्ठ जो ये नाक का आगे वाला लचीला भाग है जो कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान त्वचा के वलन की वजह से बना था। इस भाग में खूब सारे बाल प्रेजेंट है तथा उसके अलावा यहां पे पसीने की ग्रंथियां, तेल की ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये जो बाल पाए जाते हैं इस नासा प्रकोष्ठ में, इन बालों का काम है कि वायु के साथ आने वाले धूल के कणों को रोकना। मेरी बात क्लियर है? तो जब भी बात करके चले कि नाक के कौन से भाग में बाल पाए जाते हैं, तो नाक के कौन से भाग में बाल पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं नासा प्रकोष्ठ में। तो मैं यहां कह दूं कि नासा प्रकोष्ठ वो भाग था जिसमें बाल जो है वो बाल होते हैं बेटा उपस्थित, जिसमें बाल क्या होते हैं उपस्थित। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट। ये नासा प्रकोष्ठ ये आगे का लचीला भाग, इसके बाद पीछे वाला, ये आईज की तरफ मूव करते हैं तो ये पीछे वाला ये हड्डियों का बना हुआ ये जो कठोर भाग है, इस भाग को कहते हैं नासा कक्ष। क्या बोलते हैं इसको? नासा कक्ष। ये जो नासा कक्ष वाला जो भाग है इसी में अपनी घ्राण उपकला पाई जाती है। वो घ्राण उपकला है जो हमें हमें विभिन्न प्रकार की गंध का ज्ञान कराने का काम करती है। तो जब भी कहे कि नाक के कौन से भाग में बाल पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं अग्रभाग जिसको बोलते हैं नासा प्रकोष्ठ, और नासा प्रकोष्ठ के बाद पीछे वाला भाग जिसको बोलते हैं नासा कक्ष, उस नासा कक्ष में पाई जाती है घ्राण उपकला जिसका काम है घ्राण दैट इज गंध का ज्ञान कराना। तो मैंने यहां कहा कि ये वो भाग था जिसमें घ्राण उपकला जो है वो ग्राण उपकला है वो अपने पास उपस्थित है। कौन से भाग में? नासा कक्ष के भाग में। अब ये नासा कक्ष जो है इसके अंदर साइड, जैसे बाहर की साइड जो छिद्र थे नाक के उनको बोल दिया बाह्य नासा छिद्र, ऐसे अंदर की साइड भी नाक के दो छिद्र हैं उनको बोलते हैं आंतरिक नासा छिद्र। और आंतरिक नासा छिद्रों के द्वारा ये नासा कक्ष किस में जाके खुलता है? ग्रसनी में, या मैं कहूं ग्रसनी का वो भाग जिसमें आंतरिक नासा छिद्र उपस्थित है, या वो भाग जहां पे नाक जाके खुलता है उसको ही बोलते हैं नासाग्रसनी। क्या बोलते हैं? नासाग्रसनी। तो मैंने कहा बाह्य नासा छिद्र से लेके इस आंतरिक नासा छिद्र तक का ये पूरे का पूरा भाग वो था जो किसके अंदर प्रेजेंट था? नाक के अंदर। इसीलिए इसको बोलते हैं नासा मार्ग। क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको बोलते हैं बेटा नासा मार्ग, नासा मार्ग। नासा मार्ग, नासा मार्ग नाक का बेउपस्थित वो भाग है। कहां से कहां तक का? बाह्य नासा छिद्र से लेके आंतरिक नासा छिद्रों तक के भाग को बोलते हैं नासा मार्ग। इस नासा मार्ग जो था ये जाके खुला नासा ग्रसनी में। ये जो नासा ग्रसनी है ये किसका भाग है? ग्रसनी का। ग्रसनी का वो भाग जहां पे नासा मार्ग जाके खुलता है उसे बोलते हैं नासा ग्रसनी। ये नासा ग्रसनी जाके खुलती कंठ में। कंठ बोलते हैं अपने वाद यंत्र, ध्वनि यंत्र को, लैरिंग्स को। अब ये जो लैरिंग्स है इस लैरिंग्स के द्वार को पर बोलते हैं घाटी, या मैं कहूं कंठ द्वार जिसको अपन बोलते हैं ग्लोटिस। उस ग्लोटिस के द्वारा ग्रसनी किसमें खुलती है? लैरिंग्स में। किसमें खुलती है? लैरिंग्स में। अब ये जो लैरिंग्स है ये लैरिंग्स आगे जाके खुलता है श्वास नली में। ये जो लैरिंग्स है ध्वनि यंत्र है ये श्वास नली के अग्र भाग में उपस्थित होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये जो ध्वनि यंत्र है कंठ है ये श्वास नली का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? श्वास नली का रूपांतरण है। चलो मैं आगे। अब ये जो मेरे पास ध्वनि यंत्र है, ध्वनि यंत्र आगे जाके खुला अपने पास श्वास नली में। श्वास नली जो थी ये श्वास नली आगे जाके दो शाखाओं में विभक्त हो गई और उनको हमने बोल दिया प्राथमिक श्वसनी। प्राथमिक श्वसनी जो थी वो फेफड़े में जाके दोबारा विभक्त हो गई जिनको हमने बोल दिया द्वितीयक श्वसनी। द्वितीयक श्वसनी दोबारा से विभक्त हो गई जिसको बोल दिया तृतीयक श्वसनी। तृतीयक श्वसनी फिर विभक्त हो गई जिसको बोल दिया प्रारंभिक श्वसनी का। और प्रारंभिक श्वसनी का फिर विभक्त हो गई जिसको बोल दिया अंतस्थ श्वसनी का। बोल दिया अंतस्थ श्वसनी का। बेटा यहां पे बात करें तो ये प्राथमिक श्वसनी से लेके और ये अंतस्थ श्वसनी का है। मैंने बोला प्राथमिक श्वसनी से लेके
और अंतस्थ श्वसनी तक का ये जो भाग है इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकियल वृक्ष। क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकियल वृक्ष। इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकियल वृक्ष। मेरी बात क्लियर है? जब भी कहे ब्रोंकियल वृक्ष शॉर्ट में हम बोल के चले इसको इंग्लिश में, तो इसको बोल देते हैं बेटा बीटी, ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री कहां से कहां तक का भाग है? प्रारंभिक श्वसनी से लेके अंतस्थ श्वसनी का तक का भाग जो होता है उसको बोलते हैं बीटी, ब्रोंकियल ट्री। मतलब ध्यान रखना, श्वास नली बीटी का ब्रोंकियल ट्री का ब्रोंकियल वृक्ष का भाग नहीं है, भाग नहीं है। अब सवाल था सर, अगर इस भाग में अपन बात करें तो इस भाग में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है? कैसे इस भाग को अपन पहचाने कि बाकी आगे वाले भाग से अलग है? अगर इसके बारे में बात करें बच्चे, तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं, वो बात करते हैं उपकला के बारे में। देखिएगा, इस श्वास नली प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी तथा तृतीयक श्वसनी, ये जो अपने पास भाग है यहां से लेके और यहां तक का, श्वास नली से लेके तृतीयक श्वसनी तक का जो भाग है, इस भाग में पाई जाती है वो कूट स्तरित उपकला पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? कूट स्तरित उपकला पाई जाती है। और उस कूट स्तरित उपकला में सीलिया भी पाई जाती है और म्यूकस ग्रंथि भी पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथि भी पाई जाती है। तो मैं ये कह दूं कि श्वास नली से लेके यहां तक कौन सी उपकला है, कौन सी उपकला है? यहां पे अपने पास है कूट स्तरित सीलिया युक्त कूट स्तरित सीलिया युक्त ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला, कूट स्तरित सीलिया युक्त ग्रंथिल स्तंभाकार उपकला। मेरी बात क्लियर है? अब सवाल था कि सर यहां पे ग्रंथिल में कौन सी ग्रंथि थी? मैंने कहा म्यूकस ग्रंथि थी, जिसका काम था म्यूकस का सलेस्मा का स्रावण करना, वो सलेस्मा इस पूरे के पूरे रास्ते को नम बनाए रखने का, चिकना बनाए रखने का काम करेगा। और सीलिया क्या काम करेंगे? सीलिया उस म्यूकस को जो सिक्रिट हो रहा है उसको मुख गुहा की तरफ बाहर की तरफ धकेलने का काम करेंगे। चले, इसके अलावा ये जो भाग होता है, ये जो भाग होता है ये ऐसा भाग है जिसमें 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 अपूर्ण उपास्थि की बनी हुई वले पाई जाती है, अपूर्ण उपास्थि की बनी हुई वले पाई जाती है। अपूर्ण क्यों बोला? क्योंकि वो इंग्लिश के अल्फाबेट सी की तरह की होती है। तो हमने कहा कि यहां पे अपूर्ण उपास्थिल वले वो होती बेटा उपस्थित, अपूर्ण उपास्थित वले वो होती है इस भाग में उपस्थित। चले अपन आगे, नेक्स्ट। अब सवाल था ये जो अपने पास है प्रारंभिक श्वसनी का, ये अपने पास है प्रारंभिक श्वसनी का, ये जो प्रारंभिक श्वसनी का है इसमें भी सीलिया युक्त ग्रंथिल, सीलिया युक्त ग्रंथिल उपकला तो है लेकिन वो कूट स्तरित वाली नहीं है, वो है सरल स्तंभाकार सीलिया युक्त ग्रंथिल उपकला। और इसके साथ साथ अपूर्ण उपास्थिल वाले भी क्या है? उपस्थित। तो अपन यहां पर बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन के बारे में, अपन यहां पे बात कर रहे हैं
वो बात कर रहे हैं इस वाले पोर्शन के बारे में, इस वाले पोर्शन के, दैट इज प्रारंभिक श्वसनिका के बारे में। प्रारंभिक श्वसनिका जो होती है उसमें भी सीलिया युक्त ग्रंथिल सरल स्तंभाकार उपकला पाई जाती है। पहली बात। दूसरी बात, ये वो भाग था जिसमें अपूर्ण उपास्थिल वलय भी क्या थी, उपस्थित। मैंने कहा यहां पे अपूर्ण उपास्थिल वलय जो है वो भी क्या है बेटा, उपस्थित। सबसे अंत में मैं बात करता हूं इसके अंतिम वाले भाग, दैट इज अंतस्थ श्वसनिका के बारे में। देखिएगा हम बात कर रहे हैं यहां पे अंतस्थ श्वसनिका के बारे में, इस वाले पार्ट के बारे में। ये अंतस्थ श्वसनिका जो होती है इसमें सरल स्तंभाकार उपकला होती है, दैट इज इसके समान है, लेकिन ना तो उसमें सीलिया होता है और ना ही ग्रंथि। मैंने ये कहा कि ये वाला जो भाग है इसमें सरल स्तंभाकार उपकला है बट यहां पे सीलिया तथा ग्रंथि क्या है, वो है बेटा अनुपस्थित। सीलिया तथा ग्रंथि क्या थी, सीलिया तथा ग्रंथि थी अनुपस्थित, और इसके अलावा अपूर्ण उपास्थिल वलय भी क्या है, अनुपस्थित। अपूर्ण उपास्थिल वलय जो है वो भी क्या है यहां पे, वो भी यहां पे है अनुपस्थित। मेरी बात क्लियर है, दोबारा से बात करते हैं। मैंने कहा श्वास नली जो है उस श्वास नली से लेके अंतस्थ श्वसनिका तक के भाग के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा श्वास नली से लेके अंतस्थ श्वसनिका तक के भाग में सबसे पहले था श्वास नली, फिर था प्रारंभिक श्वसनी, फिर था द्वितीयक श्वसनी, फिर था तृतीयक श्वसनी। श्वास नली से तृतीयक श्वसनी तक का जो भाग होता है उसे कूट स्तरित स्तंभाकार उपकला होती है और उसमें सीलिया भी पाया जाता है और म्यूकस ग्रंथि भी पाई जाती है। इसके साथ साथ अपूर्ण उपस्थित वलय भी पाई जाती है। बात क्लियर है, चलो मैं आगे। नेक्स्ट, हमने बोला कि प्रारंभिक श्वसनी का वाला जो भाग होता है उसमें जो उपकला होती है वो सरल स्तंभाकार उपकला होती है। यहां पे थी कूट स्त्रित स्तंभाकार उपकला, जबकि यहां पे है सरल स्तंभाकार उपकला, और उस सरल स्तंभाकार उपकला में सीलिया भी पाया जाता है, म्यूकस ग्रंथि भी पाई जाती है, और इस वाले भाग में अपूर्ण उपास्थिल वलय भी पाई जाती है। लेकिन अपन बात करते हैं अंतस्थ श्वसनिका में, तो उसमें उपकला तो सरल स्तंभाकार है जो किसके जैसी है, लेकिन ना तो उसमें सीलिया होता है, ना म्यूकस ग्रंथि होती है, और ना ही इस भाग में अपूर्ण उपास्थिल वलय होती है। ये तीनों की तीनों चीजें क्या थी यहां पर, अनुपस्थित थी, एबसेंट थी। चलो मैं आगे। तो अब हमने कहा था कि प्रारंभिक श्वसनी से लेके अंतस्थ श्वसनिका तक का जो भाग है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल वृक्ष, ब्रोंकियल ट्री, दैट इज बीटी। अब यहां पे कई सारे सवाल आते हैं। सबसे पहला बहुत फेमस सवाल जो पूछा जाता है, सुनिएगा, वो कहता है कि ब्रोंकियल वृक्ष बीटी वाला जो भाग होता है क्या संपूर्ण बीटी में सीलिया युक्त उपकला पाई जाती है, क्या संपूर्ण बीटी में सीलिया युक्त उपकला पाई जाती है। यह बात क्या हुई, एकदम गलत हुई, क्योंकि बीटी के अंतस्थ श्वसनिका वाला जो भाग होता है उसमें ना तो सीलिया होते हैं, ना म्यूकस ग्रंथि होती है, और ना ही उपास्थिल वलय पाई जाती है जो कैसी होती थी, अपूर्ण। मेरी बात क्लियर है। दूसरा पूछेगा क्या संपूर्ण बीटी में उपास्थिल वलय पाई जाती है, यह बात भी क्या होगी, गलत।
बीटी में अंतस्थ जो श्वसनिका वाला जो भाग है उसमें उपास अपूर्ण उपास्थिल वलय नहीं पाई जाती। मेरी बात क्लियर है क्या? अपन आगे चले चले अपन आगे नेक्स्ट। हम यहां बात करते हैं इससे आगे के भाग में, देखिएगा। अब हमने बोला बीटी तक के बारे में, अपनी बात पूरी हो गई है। अब हम आगे की बात करते हैं, वो बात कर रहे हैं श्वसन श्वसनिका से लेके कुपिकाओं तक के बारे में बात, ठीक है बेटा। श्वसन श्वसनिका से लेके कुपिकाओं तक का ये जो पूरा भाग है, ये पूरा का पूरा जो भाग है, इस भाग में उपकला जो होती है वो होती है सरल सलकाकार उपकला। कैसी उपकला होती है? सरल सलकाकार। हमने बोला यहां पे मेरे पास है सरल सलकाकार उपकला। ये सरल सलकाकार उपकला यहां पे क्या होती है बेटा? उपस्थित होती है। जबकि वहां पे कैसी थी? या तो कूट स्तंभाकार उपकला थी या फिर सरल स्तंभाकार उपकला थी, सलकाकार उपकला नहीं थी। मेरी बात क्लियर है? अब वहां पे वो जो उपकला थी उसके साथ अधिकांश भाग में सीलिया तथा ग्रंथि, दैट इज म्यूकस ग्रंथि, दोनों उपस्थित थी। यहां पे ना तो सीलिया होते हैं ना ही म्यूकस ग्रंथि, तो मैंने कहा कि यहां पे सीलिया तथा ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? म्यूकस ग्रंथि, वो दोनों के दोनों होते बेटा अनुपस्थित। वो दोनों की दोनों चीजें क्या होती है? अनुपस्थित। मेरी बात क्लियर है? वहां पे हमने देखा था कि अंतस्थ श्वसनिका से पहले अपूर्ण उपास्थिल वलय पाई जाती थी। यहां पे जो होता है, यहां पे भी अपूर्ण उपास्थिल वलय जो होती है वो पूर्णतः अनुपस्थित होती है। तो हमने बोला यहां पे अपूर्ण उपास्थिल वलय वो भी क्या होती है बच्चे? अनुपस्थित होती है। वो भी क्या होती है? अनुपस्थित होती है। मतलब अगर इस उपकला को छोड़ दें तो ये तीनों की तीनों बातें इस वाले भाग की किससे मैच कर रही है? अंतस्थ श्वसनिका से मैच कर रही है। किससे मैच कर रही है? अंतस्थ श्वसनिका से मैच कर रही है। मेरी बात क्लियर है? चलो मैं आगे। अब बेटा हमने कहा आपसे कि अपने पास, मैं थोड़ा सा पीछे चल के दोबारा से बात शुरू करता हूं। हमने कहा आपसे कि ये जो श्वसन मार्ग है, ये श्वसन मार्ग बाह्य नासा छिद्र से लेकर फेफड़े की कुपिकाओं तक का भाग है। हां कि ना पक्की बात है। अब ये जो श्वसन मार्ग है, इस श्वसन मार्ग को हमने दो भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? दो भागों में। सवाल उठा, सर श्वसन मार्ग को दो भागों में तो बांट लिया, लेकिन किस चीज के आधार पर बांटा आपने? बच्चे श्वसन मार्ग को दो भागों में बांटने का जो आधार था वो ये आधार था कि श्वसन मार्ग जो था बाह्य नासा छिद्र से लेके कुपिकाओं तक का मार्ग, एक तो वो मार्ग था जो फेफड़े तथा रक्त के बीच गैसीय विनिमय करवाने के लिए जिम्मेदार था, मतलब जिसमें गैसीय विनिमय हो सकता था। एक तो वो भाग था, एक वो भाग था जिसका काम केवल और केवल गैस को वहां तक लेकर जाना था, उसमें गैस ये विनिमय नहीं होता था। तो इस चीज के आधार पे श्वसन मार्ग को दो भागों में बांट दिया। अब ये बात करके चले कि श्वसन मार्ग के दो भाग कौन से हैं। श्वसन मार्ग जो है, उस श्वसन मार्ग का सबसे पहला जो भाग है उसको अपन बोलते हैं बेटा चालन भाग। इंग्लिश में मैं बोलूं कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन। एंड इसका दूसरा जो भाग है उसको अपन बोलते हैं विनिमय भाग। विनिमय भाग इंग्लिश में मैं बोलूं तो इसको अपन बोलते हैं बेटा एक्सचेंज जोन। इंग्लिश में मैं बोलूं तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज जोन। अब सवाल था सर कहां से कहां तक का भाग? तो चालन भाग था जो गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेता। एंड कौन सा ऐसा भाग था जिसमें गैसीय विनिमय होता है? चलिए अपन शुरू करते हैं।
नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र से लेके अंतस्थ श्वसनिका तक का जो भाग था, इस पूरे के पूरे भाग में कभी भी गैसीय विनिमय नहीं होता। इसलिए इस भाग को बोलते हैं कंडक्शन जोन, या मैं कहूं चालन भाग। तो चालन भाग कहां से कहां तक का हुआ? चालन भाग कहां से कहां तक का हुआ? चालन भाग हुआ बाह्य नासा छिद्र से लेकर, बाह्य नासा छिद्र से लेकर अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग। इस भाग को अपन बोलते हैं बेटा चालन भाग। क्या बोलते हैं? चालन भाग। इस चालन भाग में गैसीय विनिमय नहीं होता। मैंने कहा ये मेरे पास है, ये अपने पास है चालन भाग। चले अपन आगे, नेक्स्ट। अब हमने बोला कि चालन भाग का ही भाग है, चालन भाग का ही हिस्सा है। कौन सा? बीटी, जो कहां से कहां तक है? प्राथमिक श्वसनी से लेके अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग है। चलो मैं आगे, नेक्स्ट। इससे आगे का भाग, दैट इज श्वसन श्वसनिका से लेके और कुपिकाओं तक का भाग, वो था जो कि रक्त के साथ गैसीय विनिमय में भाग लेता था। सबसे ज्यादा गैसीय विनिमय जो होता है वो कुपिकाओं में होता है, गैसीय विनिमय में भाग लेता था, इसलिए इसको बोलते हैं विनिमय भाग, दैट इज एक्सचेंज जोन। तो मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा जो भाग है, इस भाग को अपन कहते हैं विनिमय भाग, दैट इज एक्सचेंज जोन। और आपको मैं बता दूं कि ये जो विनिमय भाग है, ये जो एक्सचेंज जोन वाला भाग है, ये भाग वो भाग है, ये भाग वो भाग है जहां गैसीय विनिमय हो रहा है। इस भाग को का दूसरा नाम है रेस्पिरेटरी ट्री, श्वसन वृक्ष। जैसे उसको बोला था ब्रोंकियल वृक्ष, इसी तरह इसको बोलते हैं श्वसन वृक्ष। तो मैंने कह दिया कि ये पूरा का पूरा विनिमय भाग जो होता है, इसी को अपन बोल के चलते हैं बेटा श्वसन वृक्ष, दैट इज आरटी। श्वसन वृक्ष, दैट इज आरटी। मेरी बात क्लियर? तो कहने का मतलब, सबसे पहला तो सवाल यही आया कि सर इस आरटी और बीटी में क्या डिफरेंस है। चलिए पहले आरटी और बीटी में डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, बीटी में बात करके चले। बीटी जो है वो प्राथमिक श्वसनी से लेके अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग है। चलो मैं आगे, जबकि आरटी जो है वो आरटी श्वसन श्वसनिका से लेके कुपिकाओं तक का भाग है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर बात करें तो बीटी जो होता है उस बीटी में सीलिया तथा ग्रंथि उपस्थित होती है, सीलिया तथा ग्रंथि उपस्थित होती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि संपूर्ण बीटी में सीलिया तथा ग्रंथि उपस्थित होती है, तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत, क्योंकि बीटी का अंतिम भाग दैट इज अंतस्थ श्वसनिका में ना तो सीलिया होता, ना ग्रंथि होती, ना ही अपूर्ण उपास्थिल वलय होती है। मेरी बात क्लियर है? लेकिन इसके बीटी के अधिकांश भाग में सीलिया, म्यूकस ग्रंथि तथा अपूर्ण वलय पाई जाती है, जबकि आरटी में कभी भी ना तो सीलिया होता है, ना ग्रंथि होती है, और ना ही अपूर्ण वलय होती है। बीटी जो होता है, ये बीटी चालन भाग का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? चालन भाग का, जिसका काम है वातावरण की गैस को आरटी तक, दैट इज एक्सचेंज भाग तक, विनिमय भाग तक लेकर जाना। यहां पे किसी भी प्रकार का गैसीय विनिमय नहीं होता है, जबकि आरटी वाला जो भाग है उस आरटी वाले भाग में गैसीय विनिमय होता है। मेरी बात क्लियर? क्या अपन आगे चले? ठीक है जी, चले अपन आगे। अब सवाल था सर, आपने ये बात तो यहां से कर ली, ये बात तो यहां से कर ली कि बाह्य नासा छिद्र से लेके ये पूरा का पूरा भाग जो है अंतस्थ श्वसनिका तक का जो भाग है, इसको बोलते हैं चालन भाग, या मैं कहूं कंडक्शन जोन।
चालन भाग या मैं कहूं कंडक्शन जोन। अब आपने कहा कि ये चालन भाग जो होता है इसमें गैसीय विनिमय नहीं होता, चालन भाग में गैसीय विनिमय नहीं होता, तो इसका काम क्या था, इसकी जरूरत क्या थी, क्यों है ये? गैस को ले जाने के लिए। किस चीज के लिए? फॉर गैस के परिवहन के लिए है। और क्या काम था? मैंने कहा कि चालन भाग जो है ये गैसों के परिवहन में सहायक है। गैसों के परिवहन में सहायक है, बाहरी वातावरण वाली गैस को एक्सचेंज जोन तक लेके आने में सहायक है। उसके अलावा क्या काम है बच्चे? ये जो भाग जो होता है, अगर बाहर से कोई धूल का कण आया वायु के साथ, तो उस धूल के कण को पहले तो नाक के हेयर्स रोकने का काम करेंगे, फिर वो धूल का कण जब इससे होता हुआ जाएगा तो पूरी की पूरी सरफेस पे म्यूकस है, उस म्यूकस से चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब धूल के कणों को या बाहरी कणों को कुपिकाओं तक पहुंचने से रोकते हैं। दूसरा काम था बाहरी कणों को कुपिकाओं तक जाने से रोकता है। चले भैया, तीसरा क्या काम था? हमने कहा कि ये जो भाग है ये कभी भी गैसीय विनिमय तो करता ही नहीं है, इसका क्या काम है? गैसों का परिवहन करना। दूसरा, धूल के कणों को रोकना। ये जो पार्ट है, जब बाहर से गैस आई तो उस बाहर वाली गैस का टेम्परेचर जो होता है वो शरीर के टेम्परेचर से अलग होता है। मान लीजिए सर्दियों के टाइम में वातावरण बहुत ठंडा है, बाहरी वातावरण का टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री के आसपास होगा, जबकि शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब वो वायु जब फेफड़े में पहुंचेगी तो उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो हुआ क्या कि जब वो वायु ब्लड तक पहुंचेगी तो ब्लड के टेम्परेचर के बराबर टेम्परेचर करना, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। वो करने का काम कौन करेगा? यही चालन भाग। तो बाहरी वायु के तापमान को किसके तापमान के बराबर करता है? शरीर के तापमान के बराबर करता है। नेक्स्ट था बाहरी वायु के तापमान को शरीर के तापमान के बराबर करता है। चले भैया, नेक्स्ट, बाहर से जो हवा आई, वायु आई, वो वायु थी ड्राई, एकदम शुष्क वायु थी। उस शुष्क वायु अगर सीधे की सीधी फेफड़े तक चली जाती तो फेफड़े के एल्वियोलाई की कोशिकाएं जो थी, वो कोशिकाएं डिहाइड्रेशन की वजह से, वाटर के इवोपरेशन की वजह से श्रिंक हो जाती और उनकी डेथ हो जाती। तो हमें क्या काम करना था कि वो वायु फेफड़े के एल्वियोलाई में पहुंचे, कुपिकाओं में पहुंचे, उसकी कोशिकाओं को नष्ट करने से अगर बचाना है तो उस वायु को आर्द्र बनाना पड़ेगा, नम बनाना पड़ेगा। वो नम बनाने का काम भी कौन करता है? वो चालन भाग करता है। तो चालन भाग क्या काम करता है? वायु को नम बनाता है। ध्यान रखना, चालन भाग कभी भी गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेता। मैंने कहा ये कभी भी गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेता, गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेता। तो जब भी कोई आपसे चालन भाग के बारे में बात करे तो एक बात पक्का दिमाग में बैठा लेना कि चालन भाग जो होता है वो चालन भाग कभी भी गैसीय विनिमय में भाग नहीं लेता। चालन भाग के महत्वपूर्ण काम है वो अपने पास चार है। पहला तो गैसों का परिवहन करना, कहां तक लेके जाना है? एक्सचेंज भाग तक लेके जाना।
दूसरा बाहरी कणों को फेफड़े की कुपिकाओं तक जाने से रोकना, तीसरा बाहर की वायु का तापमान शरीर के वायु के तापमान के बराबर करना, और चौथा बाहरी वायु जो शरीर में आई है उसको नम बनाने का काम भी किसका है, चालन भाग का है। चालन भाग वो भाग था जिसमें सीलिया, म्यूकस ग्रंथि तथा अपूर्ण वलय पाई जाती है। तो सवाल पूछेगा, क्या संपूर्ण चालन भाग में सीलिया, म्यूकस ग्रंथि तथा अपूर्ण वलय पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा नहीं। ना तो अपूर्ण वलय जो होती है वो श्वास नली से पहले पाई जाती है और ना ही सबसे इंपॉर्टेंट अंतस्थ श्वसनिका में पाई जाती है। तो अंतस्थ श्वसनिका को छोड़कर श्वास नली से लेके प्रारंभिक श्वसनिका तक इस पूरे भाग में यहां से लेके यहां तक अपूर्ण उपास्थिल वलय पाई जाती है। चले, अब अपूर्ण जो उपास्थिल वलय थी उनका क्या काम था, क्या जरूरत थी? हमने सीलिया का काम पढ़ा, म्यूकस को बक्कल कैविटी मुख गुहा की तरफ फेंकना, म्यूकस का काम पढ़ा उसको नम बनाए रखना, धूल के कणों को पकड़ने का काम कर रहा था, हवा को जो बाहरी वायु आ रही थी उसको नम बनाने में सहायता कर रहा था। अब अपने पास सवाल बच गया कि सर जो ये अपूर्ण उपास्थिल वलय है, इस अपूर्ण उपास्थिल वलय का क्या काम है? बेटा इसके बारे में बात करेंगे अपन थोड़ी सी देर में, अपूर्ण उपास्थिल वलय का क्या काम है। चलें, अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड जिसमें अपन ने बात कर रखी विनिमय भाग। मैंने आपको बताया कि विनिमय भाग जो है, इस विनिमय भाग का काम था गैसों का आदान प्रदान करना, किसके बीच? फेफड़े और रक्त के बीच जो गैसीय विनिमय है उसमें सहायता करता है। तो जब भी विनिमय भाग की बात पूछे तो मैंने कहा ये क्या करता है, रक्त के साथ गैसीय विनिमय में सहायक, गैसीय विनिमय में सहायक। रक्त और फेफड़े के बीच गैसीय विनिमय होता है वो मैं कह दूं कि श्वसन रक्त आरटी वाले भाग में होता है या विनिमय वाले भाग में होता है, और इस विनिमय भाग में ना तो सीलिया पाया जाता है, ना ही म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है, और ना ही अपूर्ण उपास्थिल वलय पाई जाती है। ये सारी की सारी चीजें पूर्णतः अनुपस्थित होती है। मेरी बात क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बेटा हमने बात कर लिया श्वसन की परिभाषा क्या है, श्वसन के कौन कौन से जंतुओं में कौन कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं, श्वसन के कौन कौन से पद है, सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है। मानव श्वसन तंत्र के दो भाग थे, एक श्वसन मार्ग था दूसरा फेफड़े थे। तो श्वसन मार्ग पूरा का पूरा कैसा था उसके बारे में अपन ने बात कर ली है कि कौन से भाग में किस प्रकार की एपिथीलियम पाई जाती है, चालन भाग जो होता है उसका क्या काम है, विनिमय भाग जो है उसका क्या काम है। अब हमें अगले लेक्चर में बात करेंगे, वो बात करेंगे सबसे पहले ग्रसनी के बारे में, आपके कंठ जिसको हमने बोला लैरिंग्स ध्वनि यंत्र के बारे में, ये अपूर्ण उपास्थिल वलय जो थी इनका क्या काम था इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद श्वास नली के बारे में बात करेंगे। मेरी बात क्लियर है? उसके बाद फेफड़े के बारे में बात करेंगे। तो ये आगे की सारी बात अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक की जितनी भी बातें हुई है शायद ये आपको क्लियर होगी। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। Thank you.